ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि सरदार जी के 12 बज गए। एक्चुअली में इस जुमले की हकीकत क्या है, हम आपको बताते हैं कि इस 12 बजे वाले जुमले के पीछे की हकीकत क्या है। निश्चित ही इसे जानकर इसका प्रयोग करने वाले को शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी। 1739 मतलब 1739 में जब अक्रांता नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करते हुए हिंदुस्तान की बहुमूल्य संपदा को लूटना शुरू कर दिया, इन हफसी आक्रमणकारियों ने करीब 2200 महिलाओं भारतीय महिलाओं को बंधक बना लिया। उस वक्त सरदार जस्सा सिंह जो कि सिख आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, इन्होंने लुटेरों पर हमला करने की योजना बनाई, किंतु उनकी सेना दुश्मन की तुलना में बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने आधी रात को 12 बजे हमला करने का निर्णय किया। फिर महज कुछ सैकड़ों की संख्या में सरदारों ने कई हजार लुटेरों के दांत खट्टे करते हुए महिलाओं को आजाद करा दिया। सरदारों के शौर्य और वीरता से लुटेरों की नींद और चैन हराम हो गया। यह क्रम नादिर शाह के बाद उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के काल में भी जारी रहा। अब्दालियों और ईरानियों ने अब्दाल मार्केट में हिंदू औरतों को बेचना शुरू कर दिया। सिखों ने अपने मिडनाइट 12 बजे वाले में ही हमले करने की स्ट्रेटजी जारी रखी। एक बार फिर दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकते हुए महिलाओं को बचा लिया गया। सफलतापूर्वक लड़कियों और औरतों के सम्मान की रक्षा करते हुए सिखों ने दुश्मनों और लुटेरों से अपनी इज्जत की हिफाजत की। रात 12 बजे के समय में ही हमला करते समय मुस्लिम लुटेरे कहते थे, सरदारों के 12 बज गए, और इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। आज मुगलों की औलादों ने सरदारों का मजाक उड़ाना शुरू किया है, जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसे और ज्यादा बल 1984 के बाद मिला। सरदारों को 12 बज गए कहकर चिढ़ाना, हंसना बेहद शर्मनाक है। अरे उन विदेशी लुटेरों से रक्षित स्त्रियों के वंशजों द्वारा लुटेरों की टिप्पणी को दोहराना अनजाने में ही सही पर किसी देशद्रोह से कम नहीं है। सिख एक महान कौम है जिसने मध्यकाल में गुलामी की काली रात में सनातन और हिंदुस्तान को स्वयं अपने प्राणों की बलि देकर बचाए रखा है। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रसिद्ध उक्ति 125,000 से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो हम जो इन पे जो कमेंट करते हैं वो गलत है, जो कमेंट करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो धन्यवाद, ये मैंने आपको रीजन बताया कि 12 बजे वाली जो लोकती है उसका कारण क्या है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।